इसको देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी वाइट में आ Hey guys, good evening. Welcome to my new vlog. I hope you guys are doing absolutely fine. और खुशखबरी की बात यह है कि कल मेरा रिजल्ट आ गया है और काफ़ी अच्छा परसेंटेज से पास हुए हम. आप लोग गेस करने का मौका नहीं देंगे, सबको पता ही देते हैं 75%. जिन लोगों को नहीं पता, कल बिहार बोर्ड का रिजल्ट आ गया था और काफ़ी अच्छा, मतलब फैमिली में सब खुशी है. ज़्यादा एक्सपेक्टेशन क्योंकि मुझसे था भी नहीं, क्योंकि हम तो ब्लॉग में ज़्यादा रहते थे, लेकिन 75% काफ़ी एक अच्छा है और मेरा किसी भी कॉलेज में हो जाएगा. तो इसी को लेकर हम अगले महीने तो यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक ट्रिप भी प्लान किए हैं और एक IPL मैच भी देखना. जो बचपन से, मतलब 2007 से ही महेंद्र सिंह धोनी, मतलब कि लेजेंड, मेरे तो फेवरेट, सबको पता है. जो लोग व्लॉग देखते हैं रेगुलर बेसिस पर, लोगों को पता होगा कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है. तो उनका मैच होने वाला था कोलकाता में, तो हम तो नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ का टिकट जैसे ही खोले बुक मैच हो तो बुक हो चुका था और क्या ही कर सकते थे. लेकिन उसका अगला वेन्यू जहाँ पे है ना, वहाँ का ट्रिप भी प्लान कर लिए, वहाँ मैच भी देख लेंगे. तो उसका तो अभी प्लान कर नहीं पाएंगे क्योंकि जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाएंगे ना, बताने में लगता नहीं, क्योंकि आप लोग भी सोचो कि बता दिया और गया नहीं. तो आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में. आज तो कुछ ऐसे प्लान है नहीं, लेकिन आज जाएंगे और अच्छा से एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों के साथ. चलते हैं और शॉर्ट्स बना के फिर निकल लेंगे. सो इस मस्त शॉर्ट्स बना लिए और अभी जा रहे हैं मयंक यहाँ, क्योंकि पैसे का कुछ काम है और कुछ प्लान भी करना है. चलते, ज़्यादा देरी नहीं करते. वो चारों तरफ से, मतलब काफ़ी अच्छा वाइब्स आ रहा है पूजा पाठ का और अभी दुर्गा पूजा भी चल रहा था. हैप्पी दुर्गा पूजा सबको. सो इस मयंक क्या पहुँच गया. मयंक सोया हुआ था, उसका एग्जाम था भाई. कैसा चला एग्जाम? जितना तेज भी होता है तुम्हें एक्टिंग करिए उतना तेज. मैं हम लोग IPL लेने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो नहीं बताया, लेकिन हम लोग जा रहे हैं. मतलब बचपन में जब हम लोग टीवी में देखते थे, कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग देखने भी जाएंगे. बस धोनी चले जा रहे हैं. धोनी जिंदाबाद. धोनी टिकट कटाना है. नहीं, टिकट तो अपने पैसे कटाना पड़ रहा है. इस वेदर काफी अच्छा लग रहा है. और भाई, तुम्हें मम्मी क्या बोल रही थी? क्या हुई थोड़ी कुछ है? गुंडा वुंडा पकड़ लेने बच्चा है. इंडियन मॉम्स का यही है, मतलब कहीं भी बाहर जाओ ना तो हमको कोई बोल रहा है ना, हम दोनों को बोल रहा है ना कि मत जाओ, तो हम बोलते हैं हम सिक्किम से भूल गया और ब्लॉग दिखा देते हैं भाई, तो आप कुछ नहीं बोलती है कि जयपुर है प्लेन जगह, वहाँ से कोई धोखा उखा भी नहीं देगा. वही तो इम्पोर्टेंट, तो घूमना तो इम्पोर्टेंट है ही, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मैच भी. मैं तो उतना नहीं आ रहा है, लेकिन जिसमें जो मज़ा आता है वही करें. जो शॉर्ट्स वाला उसमें कुछ खास मज़ा नहीं आता, जो लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा मज़ा आता है. हाँ, तो पहले शॉर्ट्स बनाओ फिर लॉन्ग में जाना. और वो छोड़ो, पहले वो देखो भाई, कितना सही से लग रहा है, प्यारा लग रहा है. कल चांद दिख रहा था, आज आसमान दिख रहा है. चांद थोड़ी देर बाद दिखेगा, लेकिन कल चांद चुम्मा लगा था भाई. चुम्मा लगा सबसे कल लेता. लेकिन कल भागलपुर क्या पूरा इंडिया का हर एक स्टेटस में सबका चांद फोटो था. इंस्टाग्राम ले लो या स्टेटस ले लो, सबका चांद फोटो लगा. कल हम अपना टेलीस्कोप खोले थे. कहाँ? नीचे का टेलीस्कोप. टेलीस्कोप है कहाँ तेरे पास? बोलो. फोन का कैमरा खोले थे. रोड का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अभी वो भैया गिरते बचे, हम भी गिरते बचे भाई. अभी समझ के बाहर ही हो गया रोड. पहले रोड तोड़ेगा, फिर बनेगा, फिर पाइप डालेगा, फिर बनाएगा. अभी जस्ट टिकट बुक करने की कोशिश कर, टिकट ही बुक नहीं हो, मतलब कि जैसे वाले धड़ाधड़ तुरंत बुक हो गया. मतलब लास्ट ऑप्शन 4000 का बता दो कि बजट थोड़ा बाहर था, लेकिन वो भी ट्राई किया, लेकिन वो भी नहीं हुआ. तो फिर वेल, अभी तो होप फॉर द बेस्ट. अभी तो व्लॉग में थोड़ा देर पहले बहुत खुश दिख रहे होंगे, टिकट बुक करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ. लेकिन फिलहाल कैसे भी जा रहे हैं एक जगह कुछ काम से, तो वो भी चलता है. और पचास संडे है, तो आज का व्लॉग थोड़ा सही करते हैं, क्योंकि कल का व्लॉग तो खत्म कर दिए, कुछ था नहीं करने के लिए. चलते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद. मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है. देखने का तो कोई भी मैच देख सकते हैं IPL का, लेकिन देखना तो मेन CSK का है, इसीलिए तो स्ट्रगल करना पड़ा. लेकिन कोई ना, होप फॉर द बेस्ट गाइस. और गाइस, आजकल देख रहे हैं वॉल पेंटिंग भी बन गया है भागलपुर में. मतलब धीरे धीरे भागलपुर में काफ़ी ज़्यादा कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है. और जो मैं सर ब्लॉक में जा रहा ना, इनको लेने जा रही, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो हमको ही लेना पड़ता है. तो अभी सूत्रों से खबर आए कि उसको ब्लॉक में ले सकते हैं. तो 3, 2, 1 टडा. कैसी हो खुशी? बढ़िया. अब तो बस एक हफ्ता, फिर तुम चले जाओगी, फिर इसके बाद में हम रहेंगे शायद, बोल सकते हैं. और मैं रबर क्यों नहीं लगाया? मैं हवा ऐसे बाहर उसको बोल के रबर ले जाने. लड़की है, लेकिन लड़की है कि लड़का समझ में ना आता है. और कोई कोई लड़की को देखे हैं क्यूट बनने के लिए क्या करती है. हम उसको बोले कब आओगी, तो ये बोलती है मैं आ रहा हूँ. वो मेरा लैंग्वेज है. अगर हम अगर बोलेंगे मैं आ रही हूँ तो कैसा लगेगा? बोलो, कैसे बोली थी? मैं आ रहा हूँ.
आजकल करने के लड़की कुछ भी करती है। ये दीवार की छोड़ दिया कलर करने के लिए। इसको देख के आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी वाइटम में आ रही है। मगर ये क्यों? एक मिनट खोल दे। मगर ये क्यों? लेकिन अब नहीं मिलेंगे हम सब ना, लास्ट है। हम भी तो ना मिलेंगे फिर हमको। वो जूता का बगल फिर कौन कौन सा फोटो देगा? फोटो देगा फोटो? ओ जूता वाला शायद हम हो गए। कहीं तो डाल देते हो यार छोटा सा। ये जो सबसे ऊपर वाला पिक्चर है आपके फोन का है। ओ इसीलिए अच्छा क्वालिटी है। ये फोटो देखो गाइस, ये हुडी वाला पक्का हम होंगे जो पीछे छुप के लड़की देख रहा है। टैनी अरेबिया का पास्ता फोटो नहीं खिंचा तो क्या खिंचा? रेस्टोरेंट में आना है, फोटो खिंचाना है। ऑर्डर पे बाद में होगा, लेकिन फोटो पहले। एक मिनट, ऑर्डर हो चुका है। आगे पीछे सब एक ही साथ लेते आते भैया। कुत्ता बिल्ली वाला फिल्टर गाइस, हम इसके तरह कभी इंसान ही देखे हैं। इतना सारा चीज़ ऑर्डर किए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसको बोल रहे खा खत्म कर लो ठंडा हो जाएगा, लेकिन तुम कह रही हो कि इसको फोटो लेंगे सब एक साथ तो ठंडा नहीं होगा इसका। तुम जवाब दो, दो जवाब। क्लिप अगर तुम डाले तो तुम देख लेना। जवाब दो ना तुम पहले। इसके पीछे क्या रहस्य है कि पहले फोटो लेंगे सबका फिर खाना है? उससे पेट में अच्छा बोल कौन रहा है जो 10 फोटो लेते रहता है हर चीज का, स्टिंग का हो जिसका हो, बोल कौन रहा है? स्टिंग पहले ही ठंडा रहता है, उसको टाइम लगता गर्म होने में। सुनाली तुम्हारे हिसाब से सही कर रही है? तो टू इन वन हो गया, हमने शायद कोई नहीं है तो फिर हम हार गए। और ये क्लिप तुम नहीं डालोगे? सब डलेगा। किसी शायद मेरे ना हॉस्टल वाले भैया का यही है वो। सही बोली। तो आपको कैसे पता? देख लो ऐसे ही। ये जो भी बहुत टेस्टी आया तुम तो। ये मेरा है प्लीज। नहीं तो जो चॉइस बहुत अच्छा है। और नो और ये सबसे इतना ज़्यादा पार्टी इसलिए हो रहा है क्योंकि सोनाली का सॉरी क्योंकि सोनाली का बर्थडे पार्टी बाकी था। सोनाली बर्थडे पर बोल नहीं पाते हैं। सोनाली हैप्पी बर्थडे। गला गला मिलो, गला मिलो, गला मिलो। हम लोग मिल चुके हैं ना। एक्चुअली ये बिलेटेड बर्थडे पार्टी है और इसका जाने का क्या बोलता है उसको रसम भी हो रहा है। क्या है? लेटर्स। क्या धनिया पत्ता को इंग्लिश में ही बोल रहे? लेटस। धनिया पत्ता किस एंगल से? लुक इट ग्रीन चीज धनिया। ओ अंदर में स्टीम नस निकला हुआ है, जिम जाने लगता है। लेटस सर्च करके गूगल में कर लेना गाइस। हिंदी में क्या बोलता है? आई डोंट नो हिंदी, बस लेटस। टेस्ट करके बताओ हाउ इज इट, हाउ इट इज बताओ ना भाई। देखने में अच्छा है। हम डिस्क्राइब बताएंगे। बस देखने में अच्छा है। ये हम लोग का तीसरा डिश आ गया है यहाँ का, लेकिन जो प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है, प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा आया दिया हुआ यहाँ। देखा जाए तो हम लोग तीसरा बार आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बार आज ही ऑर्डर किए हैं। ये भी लेकिन सोचने वाला बात है क्योंकि तीन लोग आए ना। ये भी है, अगली बार सिर्फ मैं और तुम आते थे। अगली बार नहीं ब्रो, पिछले बार। हाँ पिछले बार। यहाँ इतना सा सजा हुआ था, हम भी अपने अपना अपना एक डिश बनाए। देखो कैसा लग रहा है। दिस इज इस डिश का नाम है फर्स्ट टाइम खाया तो मतलब उतना अच्छा टेस्ट नहीं। जब दूसरा बार खाया तो बहुत अच्छा टेस्ट किया। आप लोगों का कभी हुआ है? क्योंकि मैंने सेलेक्ट किया। लेकिन फर्स्ट टाइम है, मतलब कि पहला बार अच्छा ही लगा, दूसरा बार तो ऐसा लगा कि ऐसा चीज कभी खाई नहीं है। 10/10 जहाँ कार्यक्रम हो गया थोड़ा सा बचा तो वो पैक करा लिया है। पॉइंट ऑफ व्यू अगर खाना बचा तो उसको फेंकवाइए मत, वेस्ट वेस्ट का पैक करा लेना। गलत बोले सोनाली, तुम क्यों रुक रही हो वहाँ? क्या हुआ? अच्छा पिक्चर, अच्छा सॉरी। उर्सी मैम, उर्सी मैम, उर्सी मैम, उर्सी मैम, आप कहाँ जा रहे हैं? उर्सी मैम गाइस, जो भी ये पेंडिंग में उसको सैल्यूट, इतना अच्छा मतलब रियलिस्टिक लग रहा है, लग रहा है खुशी ही है। मेरा फेस बनाया वो। वही तुम बोल रहे हैं। ये कौन है सोनाली? नहीं नहीं, ये देखो उनको बांध के रखा। ओ
हर एक जितना भी सारा यहाँ से युवा लोग ऐसे कर रहा है, तो आप लोग भी स्मोक मत करिए बिना स्मोक। क्या हो, स्मोक करने से ऐसा आप लोग भी हो जाएगा, स्केलेटन हो जाएगा। और दारू भी मत पीजिए यहाँ, वैसे भी दारू बंद है, पता नहीं क्यों लगा। और सबसे बड़ा बात, सब मैसेज के साथ दे रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम बना दिया। ये जो किसान के लिए भी लिखा हुआ, अच्छा बना हुआ है। यहाँ वाटर का मैसेज दिया है। ये है खुशी, ये है खुशी, रियल खुशी। वाह मैन, और यहाँ फोटो खिंचा लेते हैं। नहीं, हमको नहीं खिंचाना। क्यों? पता नहीं, हमको पसंद नहीं है। इतना अच्छा बनाया किस ले लो? वही ना, उसका ले लो। यहाँ से लेके पूरा बाल को मतलब इतना अच्छा सही कर दिया ना, मतलब आपने यहाँ पे सही सही फोटो भी क्लिक करा सकते और मैसेज का मैसेज हो ही गया। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, लड़के के लिए कोई मैसेज ही नहीं, लड़का के लिए बस तंबाकू सब है, और लेकिन लड़की लोग के लिए पूरा मैसेज ही मैसेज है। तो भाई दरअसल डिस्क्रिमिनेशन, हम लोग का भी कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहिए, हम लोग को बस नशा पानी में दे दिया है और ये पूरा ये दे दिया है। भाई सोनाली मिलते हैं, तो सोनाली का टोटो में रेस होगा, हम दोनों लोग टोटो में रेस। सोनाली जीत गई गाइस, पता नहीं कैसे जीत गई। घूमते घूमते मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश पड़ा तो मज़ा आ जाएगा, दिन में इतना ज़्यादा गर्मी रहा ना, बारिश तो हम लोग भी डिजर्व करते हैं। काफ़ी सही लग रहा है इस जंगल, लॉस एंजेलिस भागलपुरी है, लेकिन काफ़ी सही लग रहा है इसलिए ले रहे हैं। अच्छा सर, जिससे भी कवर कर रहे ना, भागलपुर में ज़्यादा देर तो रहना है नहीं, कॉलेज रिजल्ट भी आ गया, कॉलेज सब कुछ ज्वाइन करना है, इसलिए जितना हो गया सारा लोग ले लेते हैं। सो गाइस, ये भागलपुर में नया पार्क खुला था, उससे कितना ज़्यादा भीड़ है, मतलब 5 रुपये टिकट देखे घुसने अंदर। गाइस यहाँ शो के लिए फाउंटेन भी है, मतलब यहाँ सब फोटो भी खिंचा रहा है फाउंटेन देखते देखते, इंसान लोग खुशी छोटा छोटा चीज़ में मिल जाता है। मेरा भी तो शौक करने का, लेकिन हम लोग को अलाव ही नहीं, बस बच्चा लोग, हम तो बस ऐसा ब्लॉग बना था इसीलिए आ गए। वो लड़का तो पूरा झूला ही झूला गिर जाएगा। आप पेरेंट्स लोग का ही मतलब एक्सरसाइज है, बच्चा लोग को झूला झुलाना भी संघर्ष का काम है। ये व्लॉग कोई रोलर कोस्टर से कम नहीं था, कभी प्लान बन रहा था, कभी प्लान एकदम सही खत्म होके बन रहा था, लेकिन लास्ट में ये हुआ कि प्लान सारा डिसमिस हो गया। अब तो लग रहा है कि IPL मैच देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे पता नहीं, लेकिन फिंगर क्रॉस हमेशा रहेगा, कोई ना कोई मैच तो देख ही लेंगे जो पटना से या कहीं से भी पास पड़ेगा। तो ऐसे ही व्लॉग यहाँ तक अच्छा लगा तो लाइक कर देना, वीडियो देख के थोड़ा सा भी मज़ा आएगा तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं ऐसे अगले व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।